पे 2 साल से खंभा गड़ा हुआ है लेकिन तार नहीं खींचा हुआ है विद्युत विभाग द्वारा। तो कारण था कि यहाँ पे उस समय कुछ जगहों पे जो खंभे लगे उस पे तार लग गए, लेकिन कुछ खंभे ऐसे रह गए जो पेंडिंग है। जैसे मेरे पीछे खंभा है, इसको दिखाना आप, यहाँ इस तरफ से दिखाना, इस तरफ इस साइड से आप दिखाइए, इस तरफ से आप अगर देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पोल गड़ा हुआ है और जो है अभी तक इसमें जो है तार नहीं लग पाया है। और दूसरी चीज़ें मैं ऐसे तो बहुत सारे खंभे, ये बगल में पोखरी है, ये पोखरी दिखाएँ, ये जस्ट पोखरी के सामने ये खंभा है और आगे ऐसे कुछ दूर डिस्टेंस पर जो है खंभे लगे हुए हैं। ये वाले खंभे को आप दिखाना, वो बेल के पास में, ये बेल के पास में है और ये खंभा है, इसमें ये सीधा आगे चलता गया है और ये भैया है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्यों नहीं लग पाया और कितने दिनों से यह है। सबसे पहले आपका नाम बताएगा। अच्छा, हमें बताएं कि मतलब कितना साल पहले से यह खंभा ऐसे गड़ा हुआ है? ये तो लगभग 2-3 साल, 2-3 सालों से यह जो है ऐसे ही गड़ा पड़ा हुआ है। तो क्या मतलब ये कितने खंभे होंगे लगभग आगे? वही सर, 6-7 खंभे होंगे, 6-7 खंभे। अच्छा, 6-7 खंभे। और भी खंभे लगे थे जिसपे तार लग चुके हैं ऐसा कुछ? कुछ है, कुछ जगहों पर है जहाँ तार लगे हुए हैं। अच्छा, और कुछ जगह पे जहाँ तार नहीं लगे हुए। अच्छा, तो क्या ये मतलब लगभग इसके अगर तार लगने से कितने परिवार को मतलब फ़ायदा मिल रहा है? वही लगभग 6-7 घरों को फायदा मिलेगा। अच्छा, यहाँ से पास में जो 6-7 घर हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर भी लगने वाला था, सिर्फ तार ही जाने वाला था इसका? अब ट्रांसफार्मर नहीं बता सकते, लेकिन खंभा लगा हुआ तार लगना ही था, तार लगा नहीं है। तो आप बता सकते हैं क्या कारण से तार नहीं लग पाया ऐसा कुछ? आपके तरफ से कुछ जानकारी हो आप ऐसा कुछ? तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं लगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हो सकता है भाई मटेरियल न रहा हो, न रहा हो, इसलिए न लगा हो, चाहे जो भी कारण आगे रहा हो। तो आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग से आप क्या चाहते हैं कि अब हम तो चाहते हैं भाई बिजली के बिल दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, तो सबको चाहिए खुद जो अपना नज़दीक रहे, नज़दीक शहर में अपना खींच ले। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बिल भर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें जो है अगर हमारे घर के पास भी जब खम्भा गड़ा हुआ है, ऑलरेडी जब खम्भा गड़ चुका है, खम्भा गड़ने का मतलब है कि तार उस पे जाना चाहिए, तो वह तार जाता तो इनको क्या है यहीं पास से इनको जो है परमानेंट कनेक्शन एक इनको मिल जाता, और कहीं दूर से कहाँ से अभी फिलहाल कहाँ से लेकर आते हैं? हम अच्छा, जैसे बता रहे हैं 200 मीटर दूरी से लेकर आते हैं और घर के पास में ही जो है खम्भा गड़ा हुआ है। यह है इनका मकान, है मकान दिखाएगा, यह मकान है और यह खम्भा है। अब आप सोचिए अगर यहाँ पे अगर तार लग जाता तो इनको सुविधा यहाँ पे नज़दीक मिल जाती, और वोल्टेज भी अगर एक ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो इनको वोल्टेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज की भी समस्या बहुत है। वोल्टेज कैसा आता है? तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे भी हम देखते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कितने खंभे जो है टोटल। अब हम तीसरे खंभे के पास चलते हैं और देखिए ये मकान है और ये मकान के आगे ये तीसरा खंभा है और इस खंभे पे भी वही सेम है, क्योंकि खंभा तो गड़ गया है लेकिन जो है वायर नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर नहीं लगा हुआ है। और तीसरा इसके आगे चौथा खंभा है इलेक्ट्रिक का, और अगर खंभा गड़ा हुआ है तो तार लगना चाहिए, अगर खंभा गड़ा है तो तार लगना चाहिए। और यह तार ना लगने का कारण है कहीं कहीं लापरवाही, विद्युत विभाग की भी लापरवाही है और उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड जो कंपनी है उसकी भी लापरवाही है। अगर इसके ऑफिसर्स या उसके इंजीनियर जो भी है अगर इस चीज़ों पर ध्यान देते तो यह अभी तक तार लग गया होता बिजली के खंभों पे। और भैया हैं आगे जो पानी मार रहे हैं उनसे ही बात करके देखेंगे हम लोग। और यह जो है टोटल 1, 2, 3, 4, अभी हम ये पांचवा खंभा आगे है। हाँ भैया, ये खंभा जो लगा हुआ है कब से लगा आप बताएंगे? अच्छा, ये तार क्यों नहीं लग पाया ऐसा कुछ मालूम नहीं? अच्छा, इसके बारे में आइडिया नहीं आपको? देखिए ये बता रहे हैं कि तार क्यों नहीं लगा, क्योंकि इनको जो है जो विभाग का काम है उस विभाग में ही पता चल पाएगा कि किस कारण से नहीं हो पाया, उनके मटेरियल कम थे या क्या था कि खंभे लगने के बाद तार का वितरण मतलब तार नहीं लगा पाए वो लोग। और ये जो है आगे एक खंभा और है, इसमें भी देखिए ये नीम के पेड़ के नीचे जस्ट लगा हुआ है, इसके आगे ये लगा हुआ है खंभा, यहाँ पर आप देखेंगे। तो सुविधाओं के लिए जो है खंभे तो लग गए लेकिन इसमें बिजली नहीं, लाइट नहीं, खम्भे हैं मगर लाइट नहीं इसमें आई है, क्योंकि तार ही नहीं खींचा गया, सुविधा देने के प्रयास किया गया। वो आगे भी देखिए यहाँ से एक खम्भा आगे भी गड़ा हुआ है, तो शायद एक ट्रांसफार्मर है आगे रोड पे है लगा हुआ, शायद वहाँ से यहाँ पे कनेक्शन आता है, इस कनेक्शन से शायद आगे जाने का प्रयास विद्युत विभाग द्वारा जो है किया जाता, देखने के अनुमान से यही लग रहा है मुझे। और आगे भी देख रहा हूँ, यहाँ आप खड़े हैं, एक खम्भा देखिए वहाँ आगे भी है, आगे भी खम्भा जो है सिर्फ गड़ा हुआ है, जैसे आगे हमने सभी सारे खम्भों को दिखाए हैं
वैसे यहाँ पे भी देखिए खम्भा लगा हुआ है सीमेंटेड, और यह भी वैसे ही पड़ा हुआ है जिसमें तार नहीं लगा हुआ है। और वहाँ भी देखते हैं अगर कुछ लोग हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। और यह अगर वीडियो जो है बनाने का यही मकसद है कि यह जो है काम जो है पूरा हो जाए और समय से यह जो काम पूरा कर दिया जाए, इसका जो लाभ लोग उठा सकें। और यह खम्भा गड़ा है तो लाइट इस पर तार होनी चाहिए, इसका फ़ायदा लोगों को यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो यह जो पूरा प्रयास करें कि ये मिल जाए। और एक खम्भा ही सामने है और ये देखिए ये खम्भा ही है, और ये जितने मकान हमने दिखाया आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खम्भा अगर गड़ जाता तो यहाँ पे इनको दूर से लाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पास से ही है लाइट और अच्छा वोल्टेज इनको मिलता। एक ट्रांसफार्मर आगे जहाँ पर हमने पोखरी के यहाँ दिखाया है, अगर वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी छोटा कैपेसिटी का लग जाता तो अच्छा वोल्टेज इनको मिलता, प्राप्त होता। और हम बात करेंगे, बैठे हुए हैं कि अगर खम्भा गड़ा है तो तार क्यों नहीं लगा हुआ, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले भैया हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, आपका नाम बताएंगे। हमारा नाम जगदीश पांडे। हमारा नाम जगदीश पांडे है। अच्छा भैया, हमें जानना चाहिए मतलब ये जो खम्भा गड़ा हुआ है तो क्या कारण अभी तक तार नहीं लग पाया आपके हिसाब? आप तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, सरकारी का काम है, क्यों लेट हो रहा हमारे समझ में आ रहा है, लगा हुआ है इसके खम्भा हम देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि हमने इसके साथ भी किया जाए या कुछ बनाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, इसके खम्भे में अगर तार लग जाता तो आपको क्या क्या सुविधा है, आपको क्या बेनिफिट होता है? इसका ये होता कि हमारी लाइट नजदीक हो जाती और हमको दूर से लंबा दूरी से तार नहीं लेना पड़ता और हमारे घर में किसी कनेक्शन की जरूरत। जैसे चाचा बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर तार लग जाता तो इनको जो है कहीं दूर से जो है खींच के लेके नहीं लाना पड़ता लाइट को, यहाँ पास से इनको कनेक्शन मिल जाता। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इनको वोल्टेज की भी सुविधा अच्छी मिलती, क्योंकि इसमें एक आगे ट्रांसफार्मर लगा देते पोखरी के पास में जहाँ से मैंने किया, वहाँ पे अगर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा देते तो इन जितने परिवार यहाँ पे है, जितने घर हैं, इनको एक अच्छा खासा वोल्टेज मिल जाता। जो गाँव में एक समस्या होती है वोल्टेज का, वोल्टेज कम आता है जिससे बहुत सारी चीज़ें हम डिवाइसेस नहीं यूज कर पाते, या पंखे तेज नहीं चलते गर्मी के मौसम। इस समय जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45-46 गर्मी है, लेकिन इसमें क्या है कि वोल्टेज ना होने की वजह से पंखे बहुत स्लो चलते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हम यूज़ नहीं कर पाते हैं वोल्टेज कम होने की वजह से, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। और हम जो है सिर्फ लोगों की सुविधाओं के लिए जो काम कर रहे हैं कि ताकि इनको जो सुविधा, अगर खम्भा गड़ा है तो तार होना चाहिए, तार सुविधा मिलती, नहीं तो यह पैसे बेकार करके मतलब नहीं। यह खम्भे गड़े हैं तो इसमें सरकार ने कहीं कहीं कुछ पैसे खर्च किए हैं, इसके पीछे यह उद्देश्य कंप्लीट हो जाता तो वह पैसे का जो है सही उपयोग हो जाता। इसी के साथ में मैं मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मैं इसी चैनल के माध्यम से यह कहूँगा जो बिजली विभाग को कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और यह जो है ग्राम सभा जहांगीरपुर में जो है और जहांगीरपुर गाँव में यह समस्या है।